कथावाचक रामगिरी के आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में दुर्ग में मुस्लिम समाज ने आक्रोश जताया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि इस विवादित बयान के चलते आज सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के द्वारा जुमा की नमाज के बाद सभी लोग एक साथ अपने हाथों में तख्ती और नारेबाजी के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम से जिला प्रशासन को रामगिरी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कि जहां हम जहां पर रहते हैं, यहां पर कोई शख्स खड़े होकर के अचानक हमारे नबी पैगंबर के बारे में कुछ भी कह जाता है, तो इसलिए हम तकलीफ में हैं। इसका आक्रोश जताने के लिए हम प्रशासन के पास आए हैं, इसलिए कि वो रामगिरी नामी एक शख्स जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो हमने ये मांग किया है कि जितना जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी की जाए, ताकि ऐसे लोग अगर छुटे रहेंगे, खुले रहेंगे, तो और आगे कुछ बोलेंगे, इससे माहौल ख़राब हो सकता है। तो मुस्लिम समाज ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन कायम ये रहे, बरकरार रहे।